नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरिन। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हुंकार का है। क्या महाराष्ट्र के चुनाव में छत्रपति शिवाजी महाराज की टूटी हुई प्रतिमा सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है? वो मूर्ति जिसको लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक महाराष्ट्र के लोगों से माफी मांग चुके हैं, लेकिन माफी के बाद भी ये मुद्दा फिलहाल तो थमता हुआ नहीं दिख रहा है। आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने मूर्ति टूटने की घटना के खिलाफ आंदोलन किया और साफ कर दिया कि इस घटना को लेकर माफी नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ आंदोलन चलाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया और चुनाव की वजह से विपक्षी पार्टी से मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ऐसे में यहां सवाल यह है कि क्या इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ही होगा महाराष्ट्र का संग्राम? आज के हुंकार का विषय यही है, लेकिन पहले जरा वार पलटवार। पण या चुकीला माफी नाही। आपण हे जे काही ठिकाण निवडलेले आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत आणि गेटवे ऑफ इंडिया म्हणजे आपल्या देशाचा प्रवेशद्वार, हे जे शिवद्रोही सरकार आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बेकायदेशीररित्या घट्टा बाह्य पद्धतीने बसलेलं आहे, त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की गेट आउट ऑफ इंडिया। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा दुर्घटनाग्रस्त होणं हे तमाम महाराष्ट्रातल्या नाही देशवासियांच्यामध्ये आणि तमाम शिवभक्तांसाठी अतिशय दुर्दैवी घटना आहे, परंतु त्याचं राजकारण करणं हे त्याहीपेक्षा दुर्दैवी आहे। आणि म्हणून आज विरोधकांकडे कुठला मुद्दा नाही आहे, हा मुद्दा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मुद्दा घेऊन एक राजकीय या ठिकाणी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न ते करतात। फडणवीस को पूछिए देवेंद्र को, जब स्वतंत्र संग्राम हुआ उस टाइम वो लोग कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? आरएसएस के लोग कहाँ थे? चुनाव का सवाल नहीं है मैडम, ये चुनाव का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की अस्मिता का सवाल है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया, क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? तो देखिए, चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र का जो ये संग्राम है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश शेट्टी हमारे साथ हैं, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव गुट के नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता राजू वाघमारे भी हमारे साथ हैं और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता स्वागता शाह को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कई महत्वपूर्ण सवाल जिस पर चर्चा करना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी के नाम पर महाराष्ट्र में जिस तरीके का संग्राम मचा है उसी पर आज की हुंकार हम कर रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं और चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत जफर मलिक साहब, आप ही से करूंगी। जफर इस्लाम साहब, माफ कीजिएगा, क्योंकि माफी मांग ली मुख्यमंत्री ने भी, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने झुककर माफी मांगते हुए ये कहा कि हमारे लिए सम्माननीय है, मेरे आराध्य हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन विपक्ष तो पूरे मोर्चेबंदी के साथ घेरने में जुड़ा हुआ है और लग नहीं रहा कि ये माफी काम आएगी, क्योंकि उद्धव तो यहां तक कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे, कि इस मामले में तो माफी से काम चलेगा ही। देखिए, पहले तो सही आपने सुनाया, थोड़ी देर पहले जो फडणवीस जी कह रहे थे, उद्धव ठाकरे जी को पहले कांग्रेस से पूछना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है छत्रपति जी के बारे में, और अगर उन्हें सही से मान सम्मान देने का काम किया है तो
भारतीय जनता पार्टी ने किया है, बराबर किया है, पूरा देश उनको मानता है और हर बार उनको सम्मान देने का काम हमने किया है। लेकिन उनकी कांग्रेस पार्टी की तो रुचि सिर्फ गांधी, राजीव गांधी या नेहरू या इंदिरा गांधी की प्रतिमा बनाने में रहती है, उसके बियॉन्ड तो जाते नहीं है। अगर देश ने किसी को सम्मान देने का काम किया है तो वो पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, जो वाकई देश के लिए आराध्य है वो छत्रपति शिवाजी है और उनको सम्मान हमने बराबर दिया है। हाँ, हो सकता है इसमें गलती कुछ हो गई होगी, टेक्निकल कारण, ज्योग्राफिकल रीजन, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रतिमा जो आई है, और ऐसा नहीं इतिहास में कहीं और जगह ऐसा नहीं हुआ। आप देखिए म्यूनिक में टेक्नोलॉजिकली उस वक्त म्यूनिक हमसे बहुत आगे था, लेकिन आज देखिए वहां पर भी ऐसा जो है एक प्रतिमा जो कोलैप्स कर गई थी, ऐसा हुआ है इतिहास में कई बार, एक नहीं अनेक बार हुआ है। लेकिन इसके बारे में हम ये नहीं कह रहे कि इसके जो जिसके जो लोग इसके कारण है, जो इंजीनियर है, जो उन्होंने बनाया है, जिनको जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, वो एसआईटी गठित की गई है 9 महीने में, जो भी रिस्पॉन्सिबल। और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर पूरा महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश किस तरीके से भावनाएं उनके साथ उनकी जुड़ी हुई है, एक छोटी सी भी गलती यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और फिर सवाल तो ये भी होगा ना कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, इतनी जल्दबाजी कि 9 महीने में ही वो मूर्ति गिर गई। देखिए किस बात की जल्दबाजी, इजाजत 6 फीट की मूर्ति थी, बना दी गई 35 फीट की, तो ये तो बता रहा है ना कि भ्रष्टाचार कितने चरम पर हुआ इसे बनाने में। नहीं नहीं, देखिए शिरीन जी किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं, इसमें 9 महीने में क्या जल्दी है, किस बात की जल्दी की बात तो कर फिर बताइए भाई, हमने बराबर समय, तीन चार महीने में ये मूर्ति बना दी गई थी, बनकर तैयार हो गई थी, 9 महीने बाद ये टूट गई, ये फैक्ट है, मैं आपको वो फैक्ट बता रही हूँ। चार महीने में बननी कोई ऐसे अजूबा चीज नहीं है। आज तो आजकल तो 40-40 मंजिलें बनती हैं, पर दिन एक मंजिल बनती है, मतलब 40 दिन में पूरी मंजिल तैयार होती है, तो 4 महीने बना उसकी कोई ऐसी उसकी वजह से गिर गया, ऐसा गलत बात है। हाँ, कोई टेक्निकल कारण, कोई ज्योग्राफिकल कारण हो सकता है, कई बार आपने एक्सपर्ट्स की बात सुनी आपने, कई बार अचानक जो है 35 फीट की कैसे हो गई, 6 फीट की मूर्ति 35 फीट की कैसे हो गई, और क्या ये अचानक से मूर्ति गिर गई, मतलब किसी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उसकी ना तो निगरानी हुई, ना उसकी देखभाल हुई, देखरेख नहीं हुई, तभी तो ये हुई ना लापरवाही। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है शिरीन जी के मौसम के बदलने की वजह से, इरोजन भी कभी, और कभी किसी और कारण, तेज हवा चलने की वजह से, इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार जांच हो जाने दीजिए, जो भी दोषी है उसको दंडित किया जाएगा और अरेस्ट भी हो चुका है और किसी तरह से किसी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उनसे पूछिए, जांच का हवाला दें, लेकिन मुद्दा आप लोगों ने दे दिया और उसको और वो कितना बड़ा मुद्दा इस वक्त विपक्ष के हाथ आपने बैठे बैठाए थमा दिया, आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जनता समझ रही है अच्छा से, अब मैं जवाब ले लूंगी, समझ रही है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं माफी मांगी है। मैं वही तो कह रही हूँ ना कि माफी से काम चलता है, फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, राकेश शेट्टी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले किशोर जी आपके पास आती हूँ, किशोर तिवारी जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप लोगों के लिए दरअसल ये छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान का मुद्दा नहीं है, ये आप लोगों के लिए वोट बैंक का एक मुद्दा है और वही भुनाने में आप लोग लगे हुए हैं। देखिए, आप तो भी सवाल किए, वो सवाल का जवाब आप दिया नहीं। मुझे तो जफर की एक बात का बहुत आश्चर्य लगा कि शिवाजी महाराज को सम्मान इन्होंने दिया, जैसा उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की फिल्म बनने के पहले महात्मा गांधी को कोई जानता नहीं था। जफर, तुमने कोई सम्मान वनमान दिया नहीं। और दूसरा क्या है, भ्रष्टाचार का समर्थन करो मत। आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाते वक्त जो कुछ गलतियां की, क्या उसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं था? और दूसरी बात, मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर आप हमें राजनीति की बात कर रहे हो, आज बीजेपी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और इसलिए किया कि वो जो मूर्ति गिरी उस पर हम लोग बवाल खड़े कर रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर सामान्य लोग बहुत ज्यादा आहत है। और शिरीन, तुमने कितनी खामियां गिना दी, 6 फुट की शांचन, 35 फुट की मूर्ति, मूर्ति बनाने वालों को मूर्ति बनाने का कोई तजुर्बा नहीं, और एक तमाशा बना के रखा है। महाराष्ट्र की सरकार में जो घुन लग गई है या जो करप्शन है,
उसके नतीजा है कि शिवाजी महाराज की यह गंदोर अपमान हुआ है। मैं एडमिट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर जी ने कोई डिफेंड नहीं किया और अनकंडीशनल एपोलॉजी दी, लेकिन उसके बाद जो जफरचरी के लोग आके या महाराष्ट्र के जो डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस आके क्या कह रहे कि नेहरू जी ने ये कहा, इंदिरा जी ने ये कहा, अरे आपने भ्रष्टाचार किया, आपने गंभीरता नहीं दिखाई। मैं कह रहा हूं कि गंभीरता होती तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम या जो होम मिनिस्टर है जो जिन्होंने इसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन किया था उनका आप इस्तीफा ले लेते या एकनाथ शिंदे साहब को बदल देते। आपकी गंभीरता है कहां? आपकी एपोलॉजी एक पाखंड है। और जफर, ये आप जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हो उससे तो महाराष्ट्र में आपके खिलाफ भी बहुत आक्रोश रहेगा। ऐसा नहीं है, शिवाजी महाराज जितने आराध्य है तो सावरकर भी हमको उतने ही आराध्य, मैं बता रहा हूँ। तो जब सावरकर का अपमान होता है तो भी लोग हाथ होते, शिवाजी महाराज के अपमान आप कह रहे हैं कि इस मामले में गंभीरता नहीं दिख रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आपने वीर सावरकर का नाम लिया यहाँ पर, सावरकर का अपमान करने वालों के साथ तो आप लोग हाथ मिलाकर बैठे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हमारे लिए दोनों आराध्य हैं। यहाँ तो डबल स्टैंडर्ड फिर आपका भी दिख रहा है। किशोर तिवारी जी, जरा बताइए सावरकर जी का अपमान कौन करता है? वही पूछ रही हूँ, एक मिनट, जफर इस्लाम, वही मेरा सवाल था किशोर तिवारी जी से। किशोर तिवारी जी जवाब दीजिए ना फिर, मतलब आपने कहा वीर सावरकर भी हमारे लिए सम्माननीय, हमारे आराध्य हैं, तो उनका अपमान करने वालों के साथ तो हाथ मिलाकर आप ही बैठे हैं ना इस वक्त? नहीं देखो, राजनीति में एक देखिए, ये इनको वोमिटिंग हो रही है, नौचिया हो रहा है, थोड़ा रुकिए ना। सवाल ले लिया है, सवाल आप ही का मैंने आगे बढ़ा दिया, आप जरा जवाब ले लें, ले लेते हैं यहाँ पर। किशोर तिवारी इसका जवाब, आप एंकर को भी सवाल बताएंगे क्या? जफर इस्लाम एक मिनट आप रुकिए ना, मैं आती हूँ आपके पास। सवाल महत्वपूर्ण है, उस पर जवाब तो लेने दीजिए जफर जी, एक सेकंड। किशोर तिवारी सवाल तो पूरा कर लेने दीजिए, फिर जवाब ले लीजिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज ये कह रहे हैं कि इनको रिजाइन करना चाहिए, उनको रिजाइन करना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी में और आप जब उद्धव जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री जी थे, राहुल गांधी जी ने इतना बुरा भला कहा वीर सावरकर जी को कि आपने गद्दी छोड़ दी थी। ठीक है, चलिए, अब इसके बारे में बताइए। आपने थोड़ा विस्तार से बता दिया, सवाल वही था। किशोर तिवारी अब इसका जवाब दें आप जल्दी से। क्या आदत पड़ गई इनको एंकरों को भी एजुकेट करते हैं? मुझे एक बात बताना है कि श्री महाराष्ट्र के लिए शिवाजी महाराज जितने आराध्य है उतने ही स्वातंत्र वीर सावरकर भी आराध्य है, और स्वातंत्र वीर सावरकर के बारे में हमने बता दिया था राहुल गांधी को, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था ये भी बता दिया, और उसके बावजूद अब वो नए से कोई अपमान करते हैं तो हम उनके साथ संबंध नहीं रखेंगे। कांग्रेस का हमारा साझा सामा जो कार्यक्रम है उसमें हिंदुत्व नहीं है, उसमें हिंदुत्व नहीं है, ये बात आप समझ लो, ये बात आप समझ लो, ठीक है ना। और सावरकर के बारे में हमारे राय अलग है और हम कांग्रेस की भ्रष्टाचार करते हैं, यही कह रहे हैं कल भी राज्य। लेकिन यही तो डबल स्टैंडर्ड दिखाता है ना फिर किशोर तिवारी की, एक मामले में आप सड़कों पर उतरे हैं कह रहे हैं माफी चलेगी ही नहीं, लेकिन दूसरे मामले में आप अपने हिसाब से कह रहे हैं कि भाई आगे करेंगे तो देखेंगे हमारा स्टैंड क्या है। पर साथ तो है ना अभी, आप गठबंधन में तो है ना, सवाल यही है। ठीक है, चलिए अब राजू वाघमारे, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष कह रहा है कि ना तो माफी से काम चलेगा, और यहाँ पर किशोर तिवारी तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने गंभीरता ही नहीं दिखाई, आप लोगों ने ये बताया ही नहीं अपने एक्शन के जरिए कि आपके लिए ये घटना बड़ी थी और आपके लिए भी छत्रपति शिवाजी महाराज उतने ही सम्माननीय व्यक्तित्व है जितना विपक्ष इस वक्त बता रहा है। देखिए, हमारा महाराष्ट्र का विपक्ष पूरी तरह से वैफल्यग्रस्त हो चुका है, बौखला गया है, सीधी बात है। मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान, आस्था, अस्मिता जितनी हमारे दिल में है उतनी ही विपक्ष के दल में है, यह हम मानते हैं। क्या विपक्ष ये मानता है? नहीं।
क्योंकि महाराष्ट्र में जितने साल ये रहे उतने साल हम भी रहे, हमारे लिए भी शिवाजी महाराज भगवान के देवता के समान है। अभी दूसरी बात, ये जो मूर्ति गिरी है, ये मूर्ति गिरी की नहीं तो भाई मूर्ति गिर गई, मूर्ति क्यों गिरी तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल कारण रहेगा। और टेक्निकल कारण तिवारी जी बात करने दीजिए, तिवारी जी बात करने दीजिए, तिवारी जी उतनी तो शर्म कीजिए। सुनिए, आप जब भी बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप हमारी बात सुनिए ना। ठीक है बोलिए राजू वाघमारे, सुन रहे हैं आपको। किशोर जी एक मिनट सुन लेते हैं पहले। अरे बेशर्मी की हद हो गई। अरे किशोर जी सुन लेते हैं पहले, एक सेकंड, एक साथ मत बोलिए आप लोग। अभी राजू जी को बोलने दीजिए, बात पूरी कर लेंगे अपनी। एक तो पैसे खा गए शिवाजी महाराज की मूर्ति में और यहाँ आके बात कर रहे हैं। अरे अरे यार इनका भाई बात कीजिए। ठीक है आप बोलिए राजू वाघमारे। किशोर जी आप अगर सुनेंगे नहीं, फिर अपना सवाल भी आपने पूछ लिया, जवाब भी आप नहीं सुनना चाह रहे हैं, फिर सवाल आप पर उठेगा ना कि आप क्या सिर्फ एक तरफा बहस करने आए यहाँ पर। सुन लीजिए एक मिनट राजू वाघमारे। इनको आदत पड़ गई है। अरे सुनिए ना किशोर जी प्लीज, देखिए बीच में बोलने की आदत आपको भी हो गई है, आप सुन लीजिए पहले एक मिनट, मेरे दो मेहमान और इंतजार कर रहे हैं। देखिए मूर्ति गिर गई तो मूर्ति गिर गई, ये फैक्ट है। मूर्ति क्यों गिरी तो डेफिनेटली उसमें कुछ टेक्निकल रीजन रहेगा, उसकी वजह से मूर्ति गिर गई, ये भी बात जाहिर है। अभी ये होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? सबसे पहली बात कि ये मूर्ति का जो बिठाना था ये नेवी के हाथ में था, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, मूर्ति गिरने के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने दो समितियों का गठन किया है। एक समिति जो है वो टेक्निकल मुद्दों के ऊपर इसकी पूरी तरह से जांच करेगी कि टेक्निकल इसमें क्या हुआ है, क्या गलत हुआ है। दूसरी समिति जो है कि इसके बाद की मूर्ति जब भी वहां बिठाएंगे तो वो इससे भी भव्य होगी और किस तरीके से उसका निर्माण होगा, उसके लिए दो समितियों का गठन किया गया। तीसरी बात, इस मूर्ति के दौरान जो जो लोगों का इसमें हाथ रहेगा या जिनकी गलतियों की वजह से ये अपमानजनक स्थिति हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की हुई है, वो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हरेक के ऊपर सारी बातें आप लोगों ने तब भी नहीं सोची जब उस 6 फीट के अप्रूवल को 35 फीट में कैसे कन्वर्ट कर दिया गया बिना किसी इजाजत के, तब आप लोगों ने क्यों नहीं इस पर गौर किया? इसीलिए तो सवाल उठ रहा है ना कि भ्रष्टाचार को होने दिया गया क्या? पहली बात, भ्रष्टाचार की बात आप जब भी करते हो तो जब भी समिति का गठन किया गया है उसमें से जो मुद्दे आएंगे, जो जो लोगों ने गलती की है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हम कह रहे हैं। इसके बावजूद सीएम साहब एकनाथ शिंदे साहब ने माफी मांगी, पीएम साहब ने माफी मांगी। अभी क्या हो गया असली बात मैं आपको बताता हूँ, पूरे राष्ट्र को बताता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर जो योजनाएं लेके हम लोग आए हैं, उस योजनाओं को लेके लाडली बहना बोलो या अलग योजना बोलो, विपक्ष की पूरी राजनीति तस से मस हो गई है, पूरी तरह से टूट चुकी है। इनको अभी बात करने के लिए पॉइंट्स नहीं है। ठीक है जवाब लेते हैं, लेकिन वो अपने पूरे पॉइंटर्स रेडी करके बैठे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप लोगों के अंदर गंभीरता इस इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर दिख रही है साहब। राकेश शेट्टी आपके पास आती हूँ मैं, आप खुलकर माफी मांग तो लिए, जांच भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो गई और कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो फिर सड़कों पर अब भी उतरने का मतलब क्यों है? फिर वो प्रश्न क्यों नहीं खड़ा हो जाएगा यहाँ पर कि ये सब कुछ दरअसल इसीलिए क्योंकि राजनीति भी तो करनी है? देखिए आपने कहावत सुना है, जल्दबाजी का जो काम है वो शैतान का होता है और वही हुआ है इस केस में। अगर आप देखते कि जो जल्दबाजी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो मूर्ति को खड़ा करने में लगाया महाराष्ट्र सरकार ने, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हो, दोनों ने माफी नहीं मांगी, उन्होंने जिम्मेदारी से भागते हुए नेवी के ऊपर दोष मढ़ा।
हाँ प्रधानमंत्री जी ने माफी प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगा मगर चार दिन बाद माना। राजू भाई जरा आप शांत रहेंगे तो मैं अपना पॉइंट रख दूं, नहीं तो आप ही कर लीजिए डिबेट अकेले। नहीं नहीं बोलिए राकेश जी अपनी बात रखिए। बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगा मगर चार दिन बाद मांगा। आज पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश है और ये पूरा मामला आप देखिए ये करप्शन का मामला है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के सामने आप कोई और बहाना कुछ मत करिए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदेगढ़ को तो सलाह है कि आप माफी मांगिए महाराष्ट्र की जनता से और मरते दम तक माफी मांगिए क्योंकि ऐसा कांड आज तक कभी नहीं हुआ है कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का या देश में कभी कोई इतना बड़ा मूर्ति कभी ध्वस्त नहीं हुआ। और जहां तक टेक्निकल फॉल्ट की बात कर रहे हैं ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, खुद नरेंद्र मोदी जी कहते ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड है ये एक्ट ऑफ फ्रॉड। और प्रधानमंत्री जी जब कलकत्ता में एक फ्लाईओवर गिरा था प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ममता जी को टोंट मारते हुए कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ममता जी ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मैं वही कहना चाहता हूँ दिस इज अ एक्ट ऑफ फ्रॉड और ये जो चेतन पाटिल है इसने जो आर्किटेक्ट है इसके मूर्ति का उसने साफ इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो डिज़ाइन है या मूर्ति खड़ा करने का काम है थाना शहर है जहाँ से मुख्यमंत्री आते वहाँ के कॉन्ट्रैक्टरों ने किया मतलब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के जान पहचान का कॉन्ट्रैक्टर का हाथ है इस मूर्ति बनाने में। नहीं तो दूसरी बात उनके बयान के आधार पर कह रहे हैं बाकी आपके पास इससे जुड़ा हुआ कोई सबूत है कि इस मामले में उनकी भी संलिप्तता है शायद। एक राजू जी से इसका जवाब ले लूं, आपने अब प्रश्न खड़ा किया तो राजू आप बता रहा हूं कहना चाह रहे ठीक है प्रश्न आपने पूछ लिया राजू हमारे कि चेतन पाटिल को आप अरेस्ट करते हैं आप। एक मिनट एक करके बोलिए आपकी आवाज नहीं आ पाएगी गलत इंसाफ मत करो और राजू वाघमारे वो तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री की संलिप्तता इसमें बता रहे हैं उस पर जवाब दीजिए कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए बताओ कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है और क्या संबंध है हमारे झूठ चैनल पे आके झूठ मत बोलो ठीक है। कुछ भी चीजें बोला राकेश जी अब जल्दी से एक लाइन का फिर मैं दो मेहमान और उनके पास जाऊंगी क्योंकि कह देने से नहीं होगा ना। इस मामले में आपको अगर आप कोई बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो फिर उसका आधार भी लेकर आइए आप लेकर आइए उसका आधार और बताइए कि देखिए ये रहा ये सबूत है जो बताता है एकनाथ शिंदे की संलिप्तता तो आप लोग ने किया ये 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 कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है। आप महाराष्ट्र का सिचुएशन आप लगातार बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी प्लीज अब आप शांत रहिए ये सवाल मेरा राहुल जी से। आप देखिए हमारे यहाँ पे अटल सेतु का उद्घाटन किया अटल सेतु में होल निकल गए। अरे अब जा जो राकेश जी मैंने जो सवाल पूछा और राजू वाघमारे भी कह रहे हैं कि आप लेकर आइए सबूत आप सबूत लेकर आइए आप बताइए आपने बड़ा आरोप लगाया है मैं तो आपके उस आरोप को आगे बढ़ा रही हूँ लेकिन आप उसका मुझे आधार तो दीजिए। मैं बता रहा हूँ तभी तो जवाब ले पाएंगे ना आगे। मैं बता रहा हूँ चेतन पाटिल ये जो आर्किटेक्ट है इसको महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया। अगर महाराष्ट्र सरकार ने अपॉइंट किया है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। अगर अरेस्ट होने से पहले उसने टीवी इंटरव्यू में साफ कहा कि ये डिजाइनिंग मुझसे नहीं लिया गया थाना से कॉन्ट्रैक्टरों ने डिजाइन करके ये पुतला खड़ा किया है ये साफ उसने ही कहा जिसको इन्होंने चेतन पाटिल को ये लोग ही लेके आए थे ना कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट को इन्होंने ही लेके आए थे। अगर वही आर्किटेक्ट अरेस्ट होने से पहले बयान देता है इससे बड़ा सबक क्या। राजू अकबर जी आप सबूत बताइए ना आपको इतना बड़ा कनेक्शन पहले पुतला खड़ा करने का परमिशन क्लियर करना होगा और हो सकता है कि जांच में अगर ये बात आगे सामने आए तो हम बैठकर उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन ऐसे हवा हवाई आरोप नहीं ठीक है। मेरे दो मेहमान और हैं स्वागता शाह के पास में आती हूँ स्वागता शाह क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि अब इस मामले में आप लोग घिर चुके हैं और जो तस्वीर वहां से लगातार हर दिन दिखाई दे रही है चुनाव बेहद नजदीक है और ये मामला जो है माफी पर खत्म होता हुआ तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। अजीत दादा पवार और माननीय प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को लेके माफी मांगी है जो भी टेक्निकल इशू हुआ है उसके पीछे कौन है
इसकी जांच पड़ताल शुरू है। इवन अगर ज्योग्राफिकल कोई इशू है, ज्योग्राफिकली कुछ प्रॉब्लम के चलते ही अगर स्टैचू गिरा है तो उसकी भी जांच पड़ताल चालू है। जब तक कोई एक मुद्दे पे या फाइनल कंक्लूजन पे आते नहीं है तब तक कुछ भी कमेंट करना ये गलत होगा। जैसे कि यहाँ मैं अभी डिबेट में देख रही थी, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, हवा में बातें की जा रही है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाते हुए इसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे कर सॉल्व कैसे कर सकते इसके ऊपर देखना चाहिए और अभी उसके ऊपर काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने हमेशा मेरे लीडर से हमेशा सीखा है, अजीत दादा पवार जी हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आते हैं। उन्होंने फटाक से हमारे जो भी जैसे कि वो जनसंपर्क यात्रा में थे उन्होंने सबके सामने माफ़ी मांगी और उन्होंने बोला है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है उसके ऊपर। फिर ठीक है, फिर तो अजीत दादा को इस मामले में जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आना चाहिए क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है, नुकसान इसमें बड़ा हो सकता है। सीमा मलिक के पास मैं आती हूँ। सीमा मलिक, क्योंकि देखिए अब चुनाव सामने खड़ा है तो ऐसे में ये तो महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि जानते हैं सब कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उनका व्यक्तित्व और उनका सम्मान पूरे मराठाओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए इस मुद्दे को ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे और यही मंशा नजर आ रही है शायद विपक्ष की। देखिए ऐसी कोई मंशा नहीं है हमारी और ये बात तो है ही कि बात कोई छोटी भी नहीं है। एक 8 महीने में और एक हमारे जो आइकॉन है उनकी मूर्ति गिर जाती है तो इसके उसको बहुत सिंपली तो लेना नहीं चाहिए इस बात को। और देखिए एक टोटल भ्रष्टाचार का केस है और कुछ भी नहीं है। दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं ये लोग, तो एक दोहरी नीति है ये बीजेपी की और भ्रष्टाचार इनके टाइम में कितना है और ये जो मूर्ति के लिए टोटल करप्शन है और कुछ भी नहीं है उसमें। देखिए इस तरह के एक्सप्लेनेशन देना कि वो 45 किलोमीटर की रफ्तार से वहाँ पर हवा आ गई इसलिए वो मूर्ति गिर गई है, कुछ आज आप देखिए मुंबई में भी कितनी पुरानी मूर्ति है 1957 की बनी हुई वो आज भी खड़ी हुई है समुद्र के तट पे। तो ये बिल्कुल मतलब इतनी सर टोटल करप्शन है इसमें और कुछ भी नहीं। और जितने देखिए जो चेतन पाटिल का नाम ले रहे थे अभी कोई प्रवक्ता हमारे, तो बात तो है कि वो तो कहते हैं मैंने केवल बेस बनाया है उसका और मुझसे कोई मैप नहीं लिया गया तो उसने नहीं लिया गया, तो इसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सिंपल राजनीतिक माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। ये जो आप हमें बोल रहे हैं, हम इनको बोलते हैं कि आज चुनाव है तो आप ऐसा वो कर रहे हैं, नहीं तो कोई माफी वाफी मांगने की इन लोगों की आदत है नहीं वैसे, पर अभी माफी मांग रहे हैं तो ठीक है। देखिए पर ये बात है कि केवल माफी मांगने से कुछ होगा नहीं, आप केवल 2-3 कमेटीज बना देंगे उससे कुछ नहीं होगा। इनको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इसका थोड़ी हम इसके ऊपर। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहती हूँ कि वो बुलडोजर जो है इनका वो कब आएगा इसके ऊपर, जवाब दीजिए आप। चुनाव है इसलिए माफी मांगना भी मजबूरी होगी, साथ ही वो कुछ पूछ भी रही है आपसे कि बुलडोजर ऐसा कुछ हो जाता है कब आएगा, तो आज इतनी बड़ी बात है तो कुछ भी नहीं है, बुलडोजर कब चलाएंगे सर। ठीक है, दो तीन बातें कहता हूँ। जो आज लोग घड़ियाली आवास को बाहर है उनसे ही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कब मान सम्मान जो करना चाहिए था शिवाजी का आपने कब किया? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी इसके बारे में जिक्र ही नहीं किया, ना तो कभी मान सम्मान देने का काम किया। हमने तो बराबर दिया है और बराबर देते रहे, लेकिन ये बात है कि हम आराध्य मानते हैं इनको भी, आराध्य मानते हैं वीर सावरकर जी को, लेकिन वो लोग जो आज एमवीए के साथी है, कांग्रेस के साथी एमवीए में है दो जी, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज वो उनके गोद में बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब जब उनको आज ये कह रहे थे, देखिए तिवारी जी कह रहे थे, लेकिन भूल गए कि वही कांग्रेस पार्टी के मुखिया बड़े बड़े लोगों ने इतना अपमानित किया वीर सावरकर जी को, फिर भी सत्ता की लालच में वो वहीं बैठे रह गए थे। उन्होंने कोई रिजाइन नहीं किया और कहीं कुछ ऐसा स्टैंड भी नहीं लिया। आज ये कह रहे हैं हम रिजाइन कर देंगे हम, अरे आज तो आपने उनको मना के रखा है, लेकिन फिर भी वो आपके सामने आके बोलेंगे इसलिए कि उनकी मान्यता है ही नहीं जो आप जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। और जहां तक आज की बात है इसका ये एक सदमा है, गहरा सदमा है कि ये मूर्ति जो है गिरने का, ठीक है उसका कोई भी कारण हो, चाहे ज्योग्राफिकल कारण हो, टेक्निकल इश्यू हो, बहुत सारे हो सकते, आवाज तेज हो, जो भी कारण हो, लेकिन उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बाद में स्वागता जी सही कह रही थी कि पहले इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी दोषी होगा उसको दंडित नहीं किया जाएगा तब बोलिएगा। आज वाघमारे जी हमने कह रहे थे इसमें
तो आप लोगों ने उनको बात सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन वो सही कह रहे थे भाई दंडित करेंगे और ऐसा ऐसा सजा देंगे जो कि इतिहास भी याद करेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा नेहरू जी की वो बुक, उसको पढ़ के और आप उनके गोद में बैठे हुए हैं, तो क्या है? आपका डबल स्टैंडर्ड है, राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं आप। वह उस वक्त भी राजनीति वीर सावरकर जी में किया और आज भी राजनीति, सत्ता के लालच के लिए आप अपनी कोई हर आइडियोलॉजी को बेच देंगे कि आपने अपने अपने आप को एक्सपोज किया है। आज एमवीए पूरे तौर से एक्सपोज है जनता के सामने, इसलिए इस तरह के घड़ियालू आज से बहाने और नाटक करने से कोई वोट में राजनीतिक फायदा नहीं होगा। विपक्ष भी यही कह रहा है कि एक्सपोज आप लोग भी हो गए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ये देखिए शिवाजी महाराज की मूर्ति के साथ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया आपके नाक के नीचे और पता नहीं चला शायद क्या भ्रष्टाचार हो गया, यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। क्या ये एक हादसा है, उसके बारे में अभी कैसे ये हादसा कैसे कह सकते हैं, इसे हादसा कैसे कह सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए ये हादसा कैसे हुआ। अगर वो अगर देखिए अगर मैंने कहा किसी टेक्निकल कारण से हुआ तो हादसा ही तो है, उसके बारे में जानकारी लापरवाही कहिए आप उसको, आप कहिए कि भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। अब हादसा कह देना भी तो फिर आप पर प्रश्न खड़े करेगा। इतने करोड़ों के मैं आपसे कहा कि म्यूनिख में भी एक ऐसा हादसा हुआ था, जब जानकारी उसमें तो मौत भी हुई थी, लेकिन जानकारी के बाद पता चला कि कुछ जो कोरोजन की वजह से और कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हुआ था, इसलिए वो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद वहां पता चला। यहाँ भी आप उस तरह की जांच हो रही, दो कमेटी बनाई गई। यही इंसिडेंट किसी ऐसे राज्य में हो जाता जफर इस्लाम जहाँ विपक्ष की सरकार होती तब भी आप इसे हादसा ही कहते, तब तो आप कहते कि देखिए हम भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ जिस वजह से ये हो गया, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसे हादसा मत कहिए। कम से कम एक तरफ आप जांच की बात कह रहे हैं, एक तरफ आप माफी की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इसको हादसा बता दे रहे हैं, फिर तो ये भी डबल स्टैंडर्ड है। दो बातें नहीं, दो बातें कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि हमने तो जनता से माफी मांगी, इसलिए जनता से माफी मांगी कि हम उनका सम्मान करते हैं। अगर ये वाकई सम्मान करते तो क्या वीर सावरकर जी के बारे में माफी मांगते, क्या मांगा कांग्रेस पार्टी ने माफी? ठीक है, किशोर तिवारी से पहले लेती हूँ फिर आती हूँ राकेश जी के पास। किशोर तिवारी देखिए मैं आपको वीर सावरकर के मुद्दे पर भी साथ बोल चुका हूँ, लेकिन मैं राकेश शेट्टी हो या सीमा मलिक हो इनको बता देना चाहता हूँ कि अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या देवेंद्र फडणवीस हो, ये ऐसे छोटे मोटे भ्रष्टाचारों में नहीं रहते। हमारे महामहिम पंतप्रधान मोदी जी कहते हैं कि अजीत पवार 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार में है और समृद्धि मार गए टनेल है, ये सब लाखों करोड़ों में खेलने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर राजू वाघमारे कह रहे कि ये नेवी की जवाबदारी थी, यानी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पे इन्होंने पाला ढकल दिया है, तो अब राजनाथ सिंह ने माफी मांगनी चाहिए, राजनाथ सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अरे कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, आप एक आपके को लेके आ जाते, क्योंकि आपके को आरएसएस के लोगों ने भेजा ही किए, आपके को काम दे देते, आपके को तजुर्बा नहीं और वो भंगार से बनाता है और शीत के हाँ। अरे भैया भंगार से बनी हुई है और अभी तो बहुत कुछ खुलना बाकी है। राजू वाघमारे ज्यादा डिफेंड मत करो, उंगली बहुत नजदीक जा रही है आपके, और मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूंगा कि एकनाथ शिंदे इसमें कमीशन खाके बैठे है, पर मैं एक बात बोलूंगा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने बोला था आपते माजा मित्र है त्याला काम दिया, तो ये सब गलत है ना, आपते को कुछ आता नहीं था। आपने नेवी का जिक्र किया तो यहाँ पर किशोर तिवारी कह रहे हैं इसका मतलब आप उंगली केंद्र की तरफ उठा रहे हैं और गलत काम कर रहे हो, पैसे ये कहेंगे और राजनाथ सिंह को मतदान करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ना मैं उंगली उठा रहा हूं, मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूं कि फैक्ट्स क्या है। ये टोटल प्रोग्राम वहां मूर्ति बिठाने का ये सब नेवी के अंडर था,
नेवी ने किया था, हमने उंगली नहीं उठाई। नहीं तो ये मतलब रही बात हो गया ना, आपने आपने स्टेट गवर्नमेंट का पल्ला इससे पल्ला झाड़ लिया कि इसमें राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती? अरे मेरे को ये समझ नहीं आता है कि आप हमारी बात को टेढ़ा क्यों कर रही है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, फैक्ट क्या बताता है? आपने इससे पहले क्या कहा था? आपने इससे पहले क्या कहा था? आपने कहा था राज्य सरकार के अंदर नहीं आता, इसका मतलब यही हुआ ना राजू वाघमारे जी कि आप राज्य सरकार को अलग थलग इस मामले में रखना चाहते हैं, तो फिर क्या हुआ इसका मतलब? अरे बाबा सीधा आप कर दीजिए अगर उल्टा मैं कर रही हूं तो। मैडम फैक्ट्स बता रहे हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली तो राजनाथ सिंह ने माफी मांगने का क्या संबंध है? जो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली महाराष्ट्र सरकार से, एकनाथ शिंदे साहब ने, सीएम ने माफी मांग ली, और हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी कुछ गलत हुआ है, अगर थोड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ज्यादा टेक्निकल हुआ है, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी हुआ है, जो गलत हुआ है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं और हम भी उतना ही शिवाजी महाराज के प्रति दैवत देवता के समान हम आदर करते हैं, तो अभी ये विरोधी दल ये रस्ते पे उतर के ये जो तमाशा कर रहा है उसका मतलब क्या है? तो इस तमाशे के बाद में तो फिर तमाशा आपने भी किया, होने वाला है। आंदोलन तो आप लोगों की तरफ से भी किया गया ना, फिर ये मत कहिए। देखिए फिर इस तरीके से आप आगे जाएंगे सरकार में रहते हुए तो आंदोलन आप भी कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं विपक्षी पार्टी आंदोलन ना करे, आंदोलन के एवज में तो आंदोलन आपने भी उतार दिया। अरे आपकी नेता खुद सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ कि वो भी तमाशा कर रहे थे? मतलब तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन वाली बात हो गई है, तो फिर तमाशा मतलब क्या है? मतलब राजनीति के लिए आप सड़कों पर उतरे तो वो आंदोलन, दूसरा उतरे तो वो हो गया तमाशा। आप किसी भी मुद्दों का वापर करके आपको सिर्फ सत्ता हासिल करनी है, इतने आप राकेश शेट्टी का जवाब दीजिए। इसीलिए दो बातें, राजू वाघमारे ने कहा कि जब आप प्रधानमंत्री की माफी से नहीं मांग रहे तो फिर रक्षा मंत्री की माफी की क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि आंदोलन करना सिर्फ इसका मकसद यही है क्योंकि आप लोगों को इसमें राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इस मामले में भी जिसे आप इतना गंभीर बता रहे हैं। राकेश शेट्टी देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी बहुत घमंड में हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगना चाहिए। दूसरी बात, शिवसेना शिंदे गट के जो प्रवक्ता तो है वो आपको झूठ कह रहे हैं, अगर वो कह रहे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों इस मामले में माफी मांग चुके हैं। मैं आपको पूरा कर देता, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का इस पुतले में कोई हाथ नहीं था, फिर पुलिस ने एफआईआर क्यों किया? फिर नेवी कार्रवाई करती, पुलिस ने चेतन पाटिल को अरेस्ट क्यों किया, जयदीप अपटे के ऊपर एफआईआर क्यों किया? क्योंकि स्टेट का मामला था, इसलिए पुलिस सीन में आ गई, पुलिस ने एफआईआर किया। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है, और अगर नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र मराठा समाज को सम्मान देना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को सम्मान देना चाहते हैं, तो उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का राजीनामा मांगना चाहिए, तभी माफी मिलेगी। मतलब आपने ये शर्त रख दी है, उसके बाद आप लोगों का आंदोलन खत्म हो जाएगा, माफी मिल जाएगी? अभी जो आप कह रहे हैं कि मामला ऐसा ही तो माफी के लायक ही नहीं है, आपकी शर्त मान ली तो फिर माफी स्वीकार है क्यों? और दूसरी बात, जो दीपक केसरकर करके यहाँ पे मंत्री है, आपको बता दूं उन्होंने जिस दिन पुतला गिरा तो उन्होंने कहा कि ये पुतला गिर गया, बहुत अच्छा हुआ, अब हम इससे बड़ा और भव्य पुतला बनाएंगे। ऐसे अगर बात छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में करेंगे तो क्या महाराष्ट्र की जनता ऐसे घमंडी मुख्यमंत्री और घमंडी मंत्रियों को माफ करेगी क्या? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। जफर इस्लाम, आप इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग दरअसल इस मामले में फंसते ही जा रहे हैं और बयानबाजी और फंसाने का काम कर रहे हैं। दीपक केसरकर के बयान का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, जब एक पूरे सरकार का मुखिया और देश का मुखिया दोनों ने जनता के सामने मत्था टेक करके अगर माफी मांग ली, तो जाहिर है उससे दो चीज बातें साफ होती है कि आपके दिल में शिवाजी के प्रति
क्या आदर एंड सम्मान है, और दूसरा जो उनके भक्त है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको मानने वाले, उनके प्रति आपका क्या जो है सम्मान है। तो हमने जनता के बीच में जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने और अजीत पवार जी ने, सब ने माफी मांगी है। हाँ, ये बात सही है, उस पुतला के गिरने से बहुत अफसोस है, और ऐसे में हमने जैसे पहले कहा कि जो लोग दोषी उनको तो दंडित करेंगे, लेकिन इस बात को भी जो जनता के दिल में है कि ये जो उनकी प्रतिमा गिरी है तो उससे बेहतर प्रतिमा बने, उससे बेहतर स्टैचू बने, उससे बेहतर मूर्ति बने, उसका भी उनके जो उम्मीद है उस पर हम खरे उतरेंगे। इसके लिए भी हमने कमेटी बनाई है। अब इस पर राजनीति करना चाहते हैं तो वो लोग राजनीति करना चाहते हैं जो पहले से एक्सपोज है, आज इस पर राजनीति करने से और भी ज्यादा एक्सपोज हो जाए। हमने कब कहा कि हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे? आप तो कार्रवाई करने वालों के साथ खड़े रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जो लोग कारनामा करते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम कार्रवाई करके दिखाएंगे कि जो लोग दंडित, जिनको भी दंडित करना हम करेंगे। आप उसका इंतजार कीजिए, कमेटी को जब बैठाई गई है तो कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार तो करेंगे कि आप ही जजमेंट सुना देंगे। ठीक है, सीमा मलिक के स्पर्श आप कुछ कहना, रिजल्ट आने दीजिए। सीमा मलिक, देखिए मैम, ये कहना कि हम कमेटी उठाई गई है, आप उसका इंतजार करिए या जो भी, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे इसमें फॉल्स हैं, और इससे तो कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करेगा उसके बाद वो माफी मांगेगा। इट इज वेरी सिंपल, जो भी कोई भी आप कुछ भी करिए और उसके बाद आप माफी मांग लीजिए। और देखिए, जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो सबको पता है, जिस तरह का उसमें मटेरियल लगा हुआ था। अभी उनको मेरे ख्याल से उनको नेवी वालों को किसी ने कंप्लेंट भी कर दी थी, कुछ दिन पहले लेटर भी लिखा था कि उसमें सब रस्ट लग गया है, ये मूर्ति गिर सकती है, पर उन्होंने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो बड़ी सिंपली कह रहे हैं कि हमने माफी मांग ली है, तो ये किस टाइप की माफी है? नहीं जाना चाहता, ऑडियो का डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से आ रहा है इसलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ ऑडियो की दिक्कत है। स्वागता शाह, आप इसका जवाब दीजिए, क्योंकि इस मामले में एक बहुत बड़ा मुद्दा अब ये चुनावों में भी आएगा, और अब ये मान के चलिए कि ये आपकी मुश्किलें आगे बढ़ाएगा, क्योंकि एक तो शिवाजी महाराज का अपमान, दूसरी तरफ इस मामले में हुआ भ्रष्टाचार। मैडम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब जब तक पता ही नहीं है कि कहां क्या एरर हुआ है, हम सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, हमें हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना चाहिए। और जैसे कि अजीत दादा ने तो सबके सामने 13 करोड़ जनता की माफी मांगी और सबके सामने बोला है कि इसके बाद ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी, और जिस किसी के हाथ से ये घटना हुई है, जो भी डिपार्टमेंट या जहाँ जिस किसी इशू की वजह से ये हुआ है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो जब ये बात हो चुकी है, इसके ऊपर एक्शन नहीं ली जाती है, तब हमें, मुझे लगता है, इस बात का बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए किशोर जी। लेकिन जब तक एक्शन ली नहीं ले रहे हैं, तो मैं जवाब लेती हूँ किशोर तिवारी, मतलब क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा है तो अब इसको जाने नहीं देना, और इसीलिए इस पर राजनीति की जा रही है। जांच बैठ गई है, कमेटी गठित हो गई है, तो इंतजार कर लीजिए। एक मिनट में बताऊं, हम कोई प्रवचन करने वाली पार्टियां नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी है, और सरकार जब हमारे क्लच में आई है तो हम करेंगे। और एक बात मैं बता रहा हूँ तुमको, स्वागता, क्या अजीत पवार 13 करोड़ जनता का जो सिंचाई में भ्रष्टाचार किया, जिसके वजह से हजारों किसानों ने खुदकुशी की, वो भ्रष्टाचार के लिए भी माफी मांगेंगे? अरे तुम्हारे पाप बहुत हो गए हैं। ये शिवाजी महाराज के पुतले में मिट्टी मिलाई गई, अब वहां पर जीरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पूरे मानक तोड़े गए और स्क्रैप को डाला गया। और मैं बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में हर चीज में पैसे खाने के वजह से यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि शिवाजी महाराज और अपमान हुआ, जिसको कोई माफ नहीं करेगा, जिसको कोई माफ नहीं करेगा। और राजनीति करो या मत करो, लेकिन जनता के नजरों से ये गिर गए, बहुत गिर गए। ऐसा नहीं चलता। ठीक है, जफर इस्लाम, इसका जवाब दीजिए आप, फिर राजू बागमारे आती हूं मैं। देखिए, मैंने कहा फिर से कि जो भी तिवारी जी कह रहे हैं, तिवारी जी के पास जो डबल स्टैंडर्ड है उनका, वो तो एक्सपोज है। ये दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं और दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं,
मेरे सवालों को तो जवाब दे दीजिए। ये आप उस वक्त कैसे आप कैसे आपके लिए आराध्य है वीर सावरकर जी, आपके आराध्य है कि नहीं पहले बताइए तिवारी जी, आपके लिए भी मान सम्मान है आज के मान सम्मान है, तो कैसे गोद में बैठे, कैसे कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठे हो, किस लालच में बैठे हो, किस लालच में बैठे हो, क्या उनके कंधे पर रहकर तुम आगे बढ़ना राजनीति करना चाहते हो? क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो गया, राजू वाघमारे जी और सीमा मलिक इस पर जवाब देना चाह रहे थे लेकिन वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया आप सभी का।